तरनतारण विधान सभा हलका पट्टी दे विच जिहड़ी इह घटना वापरी है, दस दईए कि जल स्रोत महकमे पंजाब दे चेयरमैन रणजीत सिंह चीमा जो कि आम आदमी पार्टी दे सीनियर लीडर भी ने, उन्हां दे घर दे उपर फायरिंग हुंदी है, जिस तों बाद जिहड़ा मौजूदा सरपंच चीमा कलाता उह जख्मी हो जांदा। तस्वीर तुहानूं दिखा दिंदे हां जिसकी बांह दे विच जिहड़ी है गोली वज्जी है। फिलहाल लगातार इत्थे ट्रीटमेंट भी जारी है और पुलिस वल्लों जिहड़ा केस रजिस्टर्ड कर दिता गया। गलबात कर लैंदे हां रणजीत सिंह चीमा नाल की सारा वाकया होया सी और रात जिहड़ी वीडियो सामने आई है जिसके पुलिस की मौजूदगी गोलियां चलियां। ये चाचा जी का बेटा जगरूप सिंह चीमा जिहड़ा मौजूदा सरपंच हुण बनाया, नवीं पंचायत बनाई, जिस दिन का इहनूं उम्मीदवार लान्या सी सरपंची का, उस दिन तो ही मेरे फोन पर जिहड़ियां धमकियां भरिया कॉलां शुरू हो गई, ऑडियो शुरू हो गई, जिहड़ियां ऑडियो मेरे पास मौजूद भी है। उस तो बाद मैं एस एस पी साहब नूं उन्हां ऑडियो बारे इनफॉर्म भी किया भी आह गल आ, पर उन्हां भी कोई एक्शन नहीं लिया। सरपंची दी समां लंघ गया, राती मैं कितें गया सीगा 9:30 बजे के करीब, मैं घर आ के खाना खा के सुता, गनमैन मेरे वापस चल गए घर नूं, और की देखदे आ भी घर के बाहर यकदम बहुत सारी जिहड़ी ताबड़ तोड़ फायरिंग हुई। मैं पुलिस नूं इनफॉर्म किया, पुलिस मौके पर आई और पुलिस की मौजूदगी दे विच भी 5-7 जिहड़े फायर होए। सो वो भी वीडियो मैं तुहानूं चैनल वाले नूं बिल्कुल अचानक अचानक वीडियो बन गई जिहड़ी, मतलब हाँ अचानक जिहड़ी वीडियो उत्थे बना ली किसी वीर ने। ते इह वीर दे किथे गोली वज्जी और उस तों बाद किन्नी फायरिंग हुई, किन्ने राउंड फायरिंग हुई? सारी राउंड 15 तो ज़्यादा फायरिंग हुई। बाद विच पुलिस ने, चलो असी भी जिम्मेवार सीगे, उन्होंने कहा बैठ जाओ घरे, असी बैठ गए, झोने की कटाई हुई सी मंडी दे विच, झोना पिया सी। फिर सरपंच साहब के नाल मेरा एक होर वीर, उन्होंने मैं भेजा, मैं कहा भी तुसीं मंडी झोने कोल जाओ। फिर उन्होंने घात ला के रात 1 बजे के करीब मंडी लागे फाटका उत्थे फिर जिहड़ा हमला किया, एक बाद दातर मारिया, पहलों मोटरसाइकिल डिग पिया, फिर इन्हें एक गोली जिहड़ी उह चलाई, भज के बचे। हुण जिहड़ी है पुलिस की की कार्रवाई रही हुण तक सारे केस च, और किनू किनू तुसीं हुण मिलन जा रहे? FIR ते दर्ज हो चुकी है पर हाली तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं पुलिस प्रशासन तो यही तुहाडे चैनल दे जरिए मांग करदा वी साडा जिहड़ा इंसाफ परिवार नूं दवाया जावे, बहुत जिहड़ी उहनां धक्केशाही कीती आ। सो मैं हुण SSP साहब नूं वी मिलन जा रहा, उहनां दे वी रात वी मेरी फोन ते उहनां नाल गल होई सी, उहनां दे वी ध्यान ते सारा मामला जिहड़ा लिआंदा जाऊगा। उस तों बाद CM साहब, उस तों बाद DGP साहब नूं वी मिल के उहनां दे ध्यान ते वी सारा जिहड़ा उह मामला जिहड़ा उहनां नूं दस्सिया जाऊगा। जे गल कर लईए CCTV कोई कैमरा कोई उत्थे वगैरह इंस्टॉल सी जां आसे पासे जां वीडियो तों इलावा कुछ होर वीडियोज़ आए? नहीं, CCTV है सी दुकान ते, पर उह साडे वी लगे सी पर उह खराब सी, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ SSP ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ DGP ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। फायरिंग हुई है कुछ रात अंसरां वालों, चलो पुलिस की मौजूदगी फायरिंग हुई है, रौला रप्पा पाया, रोड़े वजे सानू सारा कुछ, अभी चलो पुलिस की मौजूदगी, चलो पुलिस उदो आई, सारी कार्रवाई की, अभी सारा कुछ सामू फेर के साडा मंडी इतने झोना पिया मेरा, तो मैं इसे पट्टी मंडी आ गया, जो रस्ते तुरै आ मोटरसाइकिल से, मैं मोटरसाइकिल अड्डे से जो आ गए इतने अं फाटक से आने किसी मेरे दातर मारिया पहला बह से ना तुरे आ दातर मारिया मोटरसाइकिल डिग पिया। फिर जो मोटरसाइकिल उठ गए तो बाद च मेरे मर मैं मोटरसाइकिल उठा उठ मेरे इतने डोने की गोली लगी, चलो मैं अपना बचा किया, मैं आसा पासा करके तो नहीं पता लगे गोली बाद गोली मारी। मंग प्रशासन से यही अपनी इंसाफ दवाया जाए, प्रोटेक्शन भी की है सू, अगे भी खतरा पर मर के करो, अभी जो सरपंच बने सू दसते नहीं हुए तो सर आह गल होगी कि अगे की बनना, मान के चलो जो अभी नौजवान जो सरपंच बन गया दो भलवान है घोल दे एक ने टैंग है ना जो सरपंच बन गया तो थोड़ी भी हम बन गए, चलो तुम हम जान थोड़ा गवा लेनी।